डेजर्ट सफारी के दौरान सवारियों से भरी जीप सावित्री पहाड़ी की तलहटी में गिरी। ओवर स्पीड जीप के चालक ने खोया संतुलन, जीप पलटती तो हो जाती जनहानि। धार्मिक एवं पर्यटन नगरी के रूप में विश्व विख्यात पुष्कर में सावित्री की तलहटी में अवैध जीप सफारी का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। पिछले साल भी ऐसी घटनाएं घटी जिसमें अवैध जीप संचालन के चलते पर्यटकों और स्थानीय निवासियों की जान संसद में आई, बावजूद इसके पुलिस ने उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। बहरहाल पिछली घटनाओं के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए मामले को गंभीर नहीं माना, जिसके चलते रविवार शाम एक बार फिर उन्मादी अवैध जीप संचालकों का दुस्साहस देखने को मिला। सावित्री पहाड़ी की तलेटी से सटे इलाकों में अवैध जीप संचालकों ने ओवरलोड भरी जीप सफारी को अनियंत्रित गति से फिर से खाई में गिरा दिया। गनीमत रही जीप पलटी नहीं, अन्यथा बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। वहीं स्थानीय निवासियों में अवैध जीप सफारी संचालन को लेकर भारी रोष देखा गया। रविवार की घटना की सोशल मीडिया पर खबरें प्रसारित होने के बाद पुष्कर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सफारी जीप को क्रेन के जरिए निकालने का प्रयास किया गया। तमाम कवायदों के बाद भी पुलिस की ओर से कोई ठोस और स्थायी कार्रवाई अमल में न लाना लोगों के बीच चर्चाओं को जोर दे रहा है। सीधी एकदम डायरेक्ट लागी गाड़ी तो कोई सवारी आई में सवारी आई साहब 10-11 सवारी बैठी के माइन कोई कल लागी कोई कौन कल लागी तो वही कोई का अगर ज्यादा गाड़ी तेजी से होती तो बड़ी घटना हो सकती हो सकती घर में जाती है तो तार बंद जोड़ा साहब तार की वजह से गाड़ी रुक गई उलझर बाकी थंबार चार सब तोड़ दिया। किसी के घर में के पास चली गई थी, इस संबंध में हमने उसके जो जीप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं, और हमने छित्रजी ASI के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर रहे हैं, जो भी अवैध रूप से कोई जीप सफारी करता हुआ पाया गया उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान जितने भी दस्तावेज हैं गाड़ी के जो गाड़ी चालक के लाइसेंस है, फिटनेस है, RCS, ये सारी कंप्लीट चेक करेंगे।